सिद्धार्थ कुछ करो। सिद्धार्थ कुछ करते क्यों नहीं? क्या तुम यही हो या कहीं और हो? हुआ क्या अनु? करण इज फायरिंग साक्षी और जहां तक मुझे लगता है उससे नहीं हो पाएगा। व्हाट? ओह नो। पैकअप करते हैं, घर चलते हैं। फॉर वंस तुम ये जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ करना बंद करोगी। क्या हुआ, बुखार आ रहा है? नहीं, चलो। मैंने साक्षी के ऑफिस में कितनी मुश्किल से कन्विंस कराया था, अब अगर वो ये काम नहीं कर पाएगी तो ये साबित हो जाएगा कि ऑफिस वाले सही थे और मैं गलत। सिद्धार्थ कोई प्रॉब्लम है इस फोटो सेशन के अलावा? नहीं, काम में नहीं। कैन आई हेल्प? नो थैंक्स। क्या हुआ करण? आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे नहीं लगता कि साक्षी मॉडल बन सकती है। करण देखो तुम जल्दबाजी कर रहे हो, पूरा आउटडोर वेस्ट हो जाएगा। करण मैं बात करता हूँ साक्षी से। करण ये क्या बचपना है, उससे नहीं होगा, मैं अपना नाम खराब नहीं कर सकता। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी कंपनी के जो पैसे वेस्ट हुए ना मैं वापस कर दूंगा। पैसों की बात नहीं है, तुम्हारे नाम की बात है। अगर तुमने असाइनमेंट नहीं किया तभी तो तुम्हारा नाम खराब होगा। और साक्षी के साथ अगर ये मैंने असाइनमेंट किया तो भी मेरा नाम खराब होगा। शी इज लाइक अ वुडन ब्लॉक। साक्षी, साक्षी प्लीज प्लीज, मैंने पहले कहा था मैं काबिल नहीं हूँ। तुम हो, मैं जानता हूँ। मुझे जाने दो सिद्धार्थ। साक्षी, साक्षी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आखिर? मैंने तुमसे पहले कहा था ना मुझसे ये सब नहीं होगा। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुमसे होगा और अब भी कहता हूँ कि तुमसे होगा। चलो गाड़ी में बैठो। कहाँ जा रहे हैं? बैठो गाड़ी में, तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ। करण बहुत इंपेशेंट है, सभी क्रिएटिव लोग होते हैं, सब कुछ चीज परफेक्ट चाहते हैं लेकिन परफेक्शन के लिए वक्त लगता है और ये बात कभी कभी समझ ही नहीं पाते ये लोग। करण की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इट वॉन्ट हेल्प। वैसे भी आई एम नॉट एंग्री विद करण, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। कोई जरूरत नहीं उसकी भी साक्षी, मुझे लगता है करण के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे काम के आड़े आ रहा है। सर, असिस्टेंट, कम ऑन साक्षी, बी असर्टिव, आज तुम मॉडल हो, तुम कहो तो मैं बन जाता हूँ आज के लिए मॉडल। यू नो साक्षी, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत पसंद आती है, वो है तुम्हारी वॉर्म, लेकिन तुम उसे ही खो रही हो। व्हाई? आई थॉट यू हैव गुड इमेजिनेशन साक्षी। करण, व्हाई डिड यू टेक द सुपीरियर पोजीशन? सोचो कि करण पैनिक हो रहा है, पर तुम उसे पैनिक मत होने दो, वो जो कहे उसका मुस्कुरा कर जवाब दो। यू नो साक्षी, आज का ये असाइनमेंट करण के लिए आज तक का सबसे बड़ा असाइनमेंट है, ही नीड्स अ हेल्प। Awful. कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे अच्छी लगने लगूंगी, आप खींचे तो सही। कहीं जा रही हो? ओ हाँ, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। आई एम सॉरी अनु, मुझे याद नहीं रहा, पता नहीं आज मैं हर बात भूल रहा हूँ। अच्छा लगा ये सोचकर कि मेरा जन्मदिन इतना शुभ हो सकता है, वो भी इतने सालों के बाद। थैंक्स अ लॉट अनु, तुम्हारा प्रेजेंट ड्यू है। मेरी तरफ से पार्टी ड्यू है, बट फॉर द टाइम बीइंग हाउ अबाउट दिस? श्योर, व्हाई नॉट। करण और साक्षी का है?
करण साक्षी से अपोलोजाइज करने गया, उसको सबके सामने माफी मांगते हुए शर्म जाती है। मुझे लगता है फोटो सेशन बहुत अच्छा हुआ है, मुझे साक्षी को कांग्रेचुलेट करना चाहिए, पर पता नहीं मैं हर बात भूल रहा हूँ आज। साक्षी को तो तुम्हें कांग्रेचुलेट करना ही चाहिए, पर तुम्हें क्या हुआ है? जिंदगी टेस्ट ले रही है। तुम कुछ कहना चाहो तो, यू जस्ट माइट फील लाइट। कभी कभी कुछ चीज कहने से तकलीफ और बढ़ जाती है ना, मैं तो बस सब कुछ भुला देना चाहता हूँ। सो फाइन, लेट्स गेट ड्रंक। ओके, आई अरेंज द ग्लासेस। तुम्हें उदास देखकर सब कुछ बुझ सा जाता है। तुम सबके गम बांट लेते हो, अपने क्यों नहीं बांटते? चीज़। प्रेजेंट तो ड्यू था। ड्यू है। ट्रेलर। I said I'm sorry. You made me feel like a fool in front of everyone. Just leave me alone now. अगर तुम मुझसे इतनी नाराज थी तो फिर तुमने फोटो सेशन क्यों किया? That was professional and Siddharth made me do it. ये मेरा पर्सनल वक्त है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, देखो मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें सबके सामने जलील किया है, गलती मेरी है। साक्षी प्लीज, साक्षी पनिश मी, लेकिन ऐसा मत करो, डोंट क्राई। कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे रो सकती हो। माई हार्ट ब्रोक। नेवर क्राय साक्षी, तुम मुझसे लड़ती झगड़ती हंसती अच्छी लगती हो, कभी रोना मत। कोई तो ऐसा हो जिसे देख के लगे कि वो खुश है, दुनिया का सामना कर सकती है। मैं नहीं रोऊंगी, मैं खुद हैरान हूं कि मैं कैसे रोने लगी। मैं कभी नहीं रोती, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो भूल जाओ, बॉनफायर जलाते हैं। बॉनफायर नहीं बुद्धू, होली। ओ, होली। ले चलो, मैं ये सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या है अनु? मुझे आग से बहुत डर लगता है। मेरी माँ भी आग में जल के मर गई थी। She committed suicide because of my father.
बस सर, जब भी मैं आपको देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है डाइंग, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। जस्ट रिलैक्स, ओके? जस्ट रिलैक्स अनु। तुम मुझे अभी छोड़ के मत जाना प्लीज। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ अनु। देखो, रिश्तों को या तो दफना दो या जला दो, जियो मत उनके साथ अनु। मैं तुम्हारे साथ हूँ और करण भी तुम्हारे साथ है। सिद्धार्थ, रिश्ते निभ नहीं सकते तो बनते ही क्यों है? ये सवाल तो मुझे भी कुरेदता है कहना। क्या रिश्तों में कोई जिम्मेदारी नहीं होती? शायद रिश्ते जन्नत में बनते ही नहीं। कुछ लोग रिश्तों को निभाना ही नहीं जानते हैं। हैप्पी होम। बहुत बहुत खुश रहो, तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में हो। मामा, आपको शादी के सिवा और कोई आशीर्वाद नहीं मुझे देने को? है, और भी है। दूधो नहाओ, पूतो फलो। बस मेरे लिए दूधो नहाओ ही काफी है। अच्छा, तो आइसक्रीम फलो। ये अश्ली अब तक क्यों नहीं आया? मामा,
होली एशली का त्योहार थोड़ी है। ओफो, ये भी कोई कहने की बात है। अब हम लोग तो क्रिश्चियंस नहीं है ना, फिर भी क्रिसमस तो मनाते हैं कि नहीं? लो आ गया तुम्हारा एशली। क्या हुआ, ऐशे ने पानी डाल दिया क्या? नहीं मम्मा, अभी चाबी आई है। ये क्या हुआ? अरे मेरी तू छोड़, अपनी सुना, अचानक हुआ कैसे? मैं सब बताती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ करण कहाँ है? जांच की ओर प्रस्थान करें और धूम्रपान जरूर करें। अंतरराष्ट्रीय विमान में धूम्रपान जरूरी है। वी विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली। इसको इतना क्यों पीने दिया? मुझे क्या पता, पीती चली गई। दो घंटे से इसी पोजीशन में खड़ी है, किसका स्वागत कर रही है उससे तो नहीं पूछते। अच्छा चलो चलो, यात्रियों से निवेदन है कि अंतरराष्ट्रीय विमान में हेलो एंड थैंक यू एंड वेलकम फॉर फ्लाइंग विद अस। वेलकम टू आवर एयरलाइन, होप यू एंजॉय योर फ्लाइट, हैव अ प्लेजेंट फ्लाइट। वी विल बी फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5 फीट 6 इंचेस। वेलकम टू आवर एयरलाइन, होप यू हैव अ प्लेजेंट फ्लाइट एंड अ ब्लेस्ड जर्नी। मुझे भी पीठ पे जाना है। शट अप सिद्धार्थ, प्लीज, नहीं तो मैं रोक दूंगी। अनु, ये इस तरह ब्लैकमेल करना बंद कर दो। ओके, मुझे भी पीठ पर लेके जाओ। अनु प्लीज। ओके ओके, होश में आ लो, देखना गिन गिन के बदला लूंगा तुमसे। तुम अपने आप को क्या फेदर वेट समझती हो? हाँ मैं फेदर हूँ और अब मैं तुम्हें गुदगुदी करने वाली हूँ। अनु, अनु नहीं, अनु देखो, देखो मैं बहुत टिक रहा था। अनु, अनु क्या करूँ? अनु नहीं, 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 अनु Passengers, we are now flying over the Fred Fort. Our aircraft is going to land in a few moments from now. यात्रियों से निवेदन है। यात्री घबराएं नहीं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। Turbulence will be over very soon. Passengers requested not to panic. आप हमेशा उसकी साइड लेती हो मामा। बेटा, इसमें करण का क्या कसूर है? बेचारी को पता थोड़ी था कि तू आ रही है। कैसे पता होगा मामा, फोन किया था उसने। ये तो मैं ही बेवकूफ थी जो सोच रही थी होली करण के साथ मनाऊंगी, और वो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं हूं या नहीं हूं। अरे तो क्या वो पेरिस चला आता? मम्मा, फोन कर सकता था, और वैसे भी मैंने फोन किया था। हाँ, तो वो घर से निकल गया था। आपको किसने बताया? हो सकता है वो वही हो और आंसरिंग मशीन ऑन रखी हो। तो फिर फोन क्यों नहीं उठाएगा वो? बिकॉज उसे अपना प्रोग्राम नहीं चेंज करना था, इसीलिए। नहीं चालू, लेट्स नॉट फाइट ऑन होली। वैसे भी हम बहुत ग्रेट होली मना रहे हैं। देख, तू जाके अपने दोस्तों के साथ होली क्यों नहीं खेलती? शरी आई थी तुझे बुलाने। मेरा दिल नहीं किया। तो फिर होली की दुआई मत दे, जा देख कौन है बाहर। क्या पता करण ही हो। प्राची बोलो। सिद्धार्थ, there's bad news। तुमको अभी आना होगा। आप तो उसकी सास हैं, कम से कम उसे आपको तो फोन करके विश करना चाहिए था। अरे बेटा, तू क्यों इतनी बेचैन हो रही है? वो फोन करेगा, जरूर करेगा। अगर उसे पता होता ना कि तू यहाँ है, उड़ के पहुंच गया होता। हाँ। अगर बीवी से इतना प्यार करता तो बात ही अलग होती। फोन नंबर तो दिया होगा ना? नहीं दिया। और रिचा, तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तू पेरिस से करण को देखने आई। हम तो तेरे कुछ लगते ही नहीं है। I'm sorry। आ, संभाल के, मैं छत पे पहुंच जाऊंगी। ये क्या आफत मोल ली आपने? अरे आफत नहीं है, ये मेरा ताज है। इसने मुझे महारानी बना के रखा है। रिया पे खूब हुकुम चलाती हूँ। खाना पकाओ, पानी पिलाओ, मालिश करो। बहुत रिया। पर देखा नहीं, तेरे आते ही मुझे तेरे हवाले करके भाग गई। अब तू ही मेरी खिदमत करो। ठीक है महारानी, बताइए क्या खिदमत करूँ आपकी?
खिदमत ये कि दो मिनट करण को भूल कर हमारे भी गले लग जाओ। I missed you. गुड मॉर्निंग। आपका हवाई जहाज अभी भी आसमान पर है या लैंड कर चुका है? मैं यहीं सो गई। जी हाँ, क्योंकि आपने ये जिद की कि यही पलंग है। वो अनु कहाँ गई? वो झूले पर सो रही है। सिद्धार्थ, उसे अचानक वापस जाना पड़ा। कल हमारे लिए गाड़ी भेजेगा। अचानक? पता नहीं, he was looking quite disturbed. सिद्धार्थ मुझसे मिले बिना वापस कैसे चला गया? उसने मुझे बताया भी नहीं और ऐसे ही चला गया। कहीं अनजाने में मैंने उसे कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो उसे बुरा लग गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम उसे जाते वक्त मुझे बाय तो कहना चाहिए था। अरे सिद्धार्थ, जल्दी, मैं अपना मोबाइल भूल गया। शायद सिद्धार्थ का ही फोन हो। हेलो, सिद्धार्थ है? नहीं, झूठ मत बोलो। आप कौन बोल रहे हैं? उसकी बीवी का भाई बोल रहा हूँ।